नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में आई है। इसके बाद भी ताजनगरी आगरा में बेटियों के प्रति जो अत्याचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम आपके साथ एक वाक्या शेयर करने के लिए यहाँ पर पेश हुए हैं। थाना सदर के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की कशिश शर्मा का अपहरण होता है। 40 दिन बीत जाने के बाद भी कशिश शर्मा का पुलिस द्वारा कोई पता नहीं लग पाता है, जिसके बाद लगातार कशिश शर्मा के माता पिता, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश मिश्रा से लेकर आगरा में पुलिस के आला अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आए। इसके बावजूद भी 40 दिन के बाद लड़की का कोई अता पता नहीं लग पाया। पीड़ितों ने न्याय के लिए जिले के आला अधिकारियों से गुहार लगाई, जहां से सिर्फ सीधा ये जवाब मिला कि आपकी बेटी ने शादी कर ली है। अपहरण में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद दो लोगों को, मुख्य आरोपी को छोड़कर दो लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, जिन्हें जेल भेजकर आगरा पुलिस अपने कर्तव्यों की इतिश्री करती नजर आई। हमारे साथ कशिश के फादर हैं सतीश कुमार शर्मा। पहले हम उनसे बात करेंगे वाकया क्या है और किस तरह ये पूरा वाकया हुआ, और उसके बाद पुलिस का जो रवैया था इनके प्रति क्या रहा। सतीश जी, वाकया क्या हुआ, कब की ये घटना है और कितने दिन ये बीत गए? 13 अप्रैल की घटना है, सुबह 8:30 बजे की, जब मेरे भाई मेरी बच्ची को स्कूल, जब डॉक्टर बीएस रॉय स्कूल छोड़ने गए तो वहाँ से जब दुकान पे आए तो उन्होंने देखा एक मेरा कारीगर खड़ा हुआ है, बोलता है कि मुझे अपना जो भी काम है उसको दिखवा दो खर्रा में जी। तो वो उसको खर्रा काम दिखवाने गए तो उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति मेरी बच्ची को अपनी बाइक पे बिठा के ले जा रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं, जबरदस्ती लेके गए थे। तो उन्होंने जो है उन बाइक का पीछा किया, तो जब पीछा करते समय करीबन उन्होंने 1.5 किलोमीटर बाइक दौड़ाई, लेकिन वहाँ रोड खराब होने के कारण से उन्होंने पकड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने गाड़ी का डिसबैलेंस उनको लात मार कर गिर दिया। फिर आपने थाना पुलिस में शिकायत कराई इस सारी चीज की कि बेटी का अपहरण हुआ है जी, कैसा रवैया रहा पुलिस वालों का आपके प्रति? उस समय थोड़ा रवैया सख्ती का था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने ढील पे ढील देते गए, बोले आपकी बच्ची आ जाएगी। जिन दो लोगों को जेल भेजा है, आप जानते हैं उन्हें कौन लोग हैं, कैसे हैं? नहीं, मैं उनको नहीं जानता हूं, लेकिन उसमें पुलिस ने बताया था एक तो उसके फादर है लड़के के और एक है चाचा उसका। अब पुलिस, जब आप जा रहे हैं तो पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं आपसे इस समय? आप अपनी व्यथा रख रहे हैं लगातार उनके बीच जा रहे हैं जी। आज लगभग 40 दिन हो गए जी। किन किन पुलिस के आला अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई? मैं IG जॉन से मिला 2-3 दफे जी, 2-3 दफे SSP साहब से मिला, सदर थाने इंस्पेक्टर साहब से मिला, CEO साहब से मिला। उन्होंने यही बोला है कि आप जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, बच्ची आ जाएगी। अच्छा, आपके हिसाब से बच्ची बालिग है कि नाबालिग है अभी? मेरे हिसाब से बच्ची अभी 17 साल की हुई नहीं है, लेकिन होने जा रही है 17 साल की, मेरी बच्ची नाबालिग है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जिससे ये प्रतीत हो जाए जी? या पेश हो जाए? मेरे पास हाईस्कूल की मार्कशीट है। अच्छा, इस पूरे मामले पे जो अधिवक्ता हैं, जो इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं, हमारे साथ हैं अशोक कुशवाहा साहब। कुशवाहा साहब, अपहरण में मुकदमा दर्ज हुआ है जी, पुलिस द्वारा लगातार 40 दिन बीत गए, दो लोगों को इसमें जेल भेज दिया है जी, जी। विधिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहाँ पे आपको लग रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले को ढील दे रही है? देखिए, इसमें एक तो रोहित और भोला मुख्य आरोपी हैं, और मुझे लगता है कि पुलिस का संरक्षण है उनको, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि शादी कर ली है, तो ये है कि कहीं ना कहीं उनको जानकारी है, कोर्ट मैरिज कर ली है। अच्छा, तो पुलिस की संलिप्तता लग रही है इसमें, और मुख्य आरोपी को पकड़ने में टालम टूर कर। अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ, थोड़ा सा हमें प्रकाश डालें, कितने वर्ष की कारावास है इसमें? आजीवन कारावास है इसमें जी जी, आजीवन कारावास। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ वकील साहब? ये अब 363 के लिए कहा गया, 364 है इसमें। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ लड़की की इसमें है 23/5/2005। ये आप जरा दिखाएं कैमरे पे, क्या है ये हाई स्कूल की मार्कशीट? मेरे साथ इस पूरे मामले पे बात की है अशोक कुमार कुशवाहा, जो एडवोकेट हैं, ये हाई स्कूल की मार्कशीट पेश कर रहे हैं। इनके अनुसार पुलिस का सीधे तौर पे खेल है कि जो लड़की नाबालिग है उसको उन्होंने बालिग बना दिया, और अब परिवार वालों के ऊपर ये दबाव है, परिवार वालों के ऊपर पुलिस का ये प्रेशर है कि आपकी बेटी आ जाएगी, आप अपने घर बैठिए। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की संलिप्तता, जैसा कि आरोप वकील साहब ने लगाया,
साफ नजर आ रही है। अभी हम लड़की की माँ है मेरे साथ मालती कुमार मालती शर्मा जी। मालती जी, बेटी आपकी कितने वर्ष की है, अभी कहाँ पढ़ा करती थी वो? 17 साल की अभी हुई नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए। 17 साल की नहीं हुई है अभी, डॉक्टर रॉय में पढ़ने जाती थी। आज 40 दिन बीत गए, आप किस किस से मिली हैं जाके? मैं गया हूँ। हाँ, आप किस से मिले हैं जाके अभी? मैं अभी देखो प्रेजेंट में मैं मिला था डिप्टी सीएम साहब से, ब्रजेश पाठक जी से। क्या क्या आपको आश्वासन क्या मिला है आपको? उन्होंने ये बोला था दो तीन दिन के अंदर अब बच्ची आपकी बरामद हो जाएगी। किसी पुलिस के आला अधिकारी ने फिर आपसे संपर्क किया डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद? जी, उसी समय मेरे को वहाँ से कुछ इंस्पेक्टर दरोगा मुझे लेके गई साइड में, वहाँ पे एसएसपी साहब थे, सीओ सदर था, इंस्पेक्टर साहब थे सदर के, और भी अधिकारी थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी बच्ची मिल गई है लेकिन कोर्ट में है, लेकिन वो वकील साहब के साथ में आएगी, उनने शादी कर ली है। मैंने बोला था सर मैंने नाबालिग बच्ची की शादी कब से होने लगी? तो बोलते हैं नहीं उनने शादी कर ली है, वकील के साथ आएगी। मैंने सर ऐसे कैसे हो जाएगा, नाबालिग बच्ची की शादी कब से होने लगी? वकील साहब, इस पूरे मामले पर जरा मुझे ये बताइए, लड़की अगर नाबालिग है, आपके पास इस बात का प्रूफ है जी? पुलिस लगातार पूरे मामले पे कहना ये चाह रही है कि किसी और अधिवक्ता के साथ वो सीधे कोर्ट में पेश होगी, तो क्या क्या कानूनन इसमें आपकी तरफ से क्या काउंटर किया जाएगा इस पूरे मामले? इसमें उन्होंने फर्जी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बढ़ा ली होगी, उस आधार पे उसकी कोर्ट मैरिज करा दी। कोई काउंटर उसमें कानूनन तौर पे आप कर पाएंगे कोर्ट में? काउंटर करेंगे इस मार्कशीट के आधार, मार्कशीट के आधार पे काउंटर करेंगे, और पॉक्सो भी इसमें बढ़ेगी, पासपोर्ट नाबालिग के लिए पासपोर्ट का एक्ट, पॉक्सो एक्ट इसमें पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसको लेके कोई प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस में कि ये जो लड़की की जो उम्र है या आधार कार्ड जो बनाया वो नकली बनाया है, इसमें पासपोर्ट की भी बढ़ोतरी करा दी जाए? उसमें वादी मुकदमा ने कहा है, तो आजकल कह रहे हैं कि देख लेंगे कि सुराग पासपोर्ट के लिए और इसका बयान हो जाए, लड़की आ जाए, बयान हो जाए जब धाराओं की बढ़ोतरी हो। तो पूरा मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवालिया चिन्ह लगा रहा है, निशान लगा रहा है। एक नाबालिग लड़की अपने घर से बाहर जाती है, अपहरण होता है, पुलिस अपहरण में भी उसका मुकदमा दर्ज करती है, जिसके बाद से उस नाबालिग लड़की के माता पिता न्याय की आस में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर थाने के दारोगा तक गुहार लगाए। और उसके बाद भी जब इन लोगों को पुलिस द्वारा ये आश्वासन मिला कि इनकी लड़की ने शादी कर ली है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा, पुलिस की मिलीभगत इस पूरे मामले पर स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। प्रातः दर्पण न्यूज़ में ये पूरा परिवार बैठा है, इनके अधिवक्तागण बैठे हुए हैं। आप तक प्रातः दर्पण न्यूज़ के जरिए इन पीड़ित माँ बाप की गुहार लगाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया है। और दर्शकों, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रातः दर्पण न्यूज़ ऐसे शोषितों, वंचितों और उन समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों की आवाज़ उठाने का काम शुरुआत से कर रहा है, जिनको पुलिसिया या प्रशासनिक पटल पर न्याय नहीं मिल पाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने दिन में इनकी बेटी बरामद होती है, और कान में रुई लगाकर बैठे हुए आगरा के पुलिस के आला अधिकारी कब तक इस मामले का संज्ञान लेकर एक पिछड़ी हुई बेटी को उनके माता पिता से मिला पाते हैं। नमस्कार।